जन्नत के बागों में से एक बाग, जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा, जेरे जमीन छोटी सी तारीक जगह, जहां बाद अज़ मौत एक अरसे तक जिंदा रहना है, जहां सवालों जवाब के मराहिल हैं, किसी के लिए सुकून है तो किसी के लिए अजाब, वो मकाम है कब्र। और फिर जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहेगा तो एक रोज तमाम खल्क जमा होगी मैदाने महशर में। कोई अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजल से सुए जन्नत जाएगा तो कोई अपने बुरे आमाल के सबब जानिबे दोज़ख। महशर, कयामत, यौम हिसाब, रोज़े आखिर, फैसले का दिन यानी हशर, कब्र हशर, जहाँ कभी हमें लाजमी हाजिर होना है, इनके बारे में हमारे क्या अकायद होने चाहिए। 3 जून 2014 सीने ईस्वी बरोज मंगल रात 10:45 बजे शरई अहकामात से आगाही के लिए देखिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जिसका मौजू है कब्र हश्र के बारे में अकायद, बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर। आप अगर ये फैसला करना चाहेंगे मैं बस एक सिलसिला देखूंगा मदनी चैनल का, तो मैं वोट दूंगा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला देखने का। हमारे उलमाए किराम यकीन माने इतना मतलब अकायद, आजकल तो ये खास सिलसिले चले हुए कि किसके बारे में क्या अकीदे रखने चाहिए ये सिखाते हैं। अल्लाह इनको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और बरकतें दे, इनकी जबान में असर दे और अवामुन नास के लिए मजीद तसहील के साथ आसान लफ्जों में बयान करने की सआदत बख्शे। आप भी इस सिलसिले में शामिल होने के लिए इन नंबर्स पर अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करवा सकते हैं 02134942522 02134942526। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।